हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ फुलकारी के बॉटम्स। फुलकारी जो है वो पंजाब का वर्क है और बहुत ही सुंदर वर्क होता है। फेस्टिवल्स आने वाले हैं और उसके बाद वेडिंग सीजन भी शुरू हो जाएगा, तो आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड उसके बाद जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बेसिक फुलकारी की सलवार दिखा रही हूँ। कुछ इस तरीके की सलवार होती है, आप देख सकते हैं नीचे पूरा वर्क किया हुआ है फुलकारी का। इस तरीके से नीचे पूरा वर्क किया हुआ है। इसके साथ आप कोई भी प्लेन कलर की कुर्ती पहन सकते हैं, लाइक ऑरेंज कलर की, ब्लू कलर की, कोई भी प्लेन कलर की कुर्ती बहुत ही अच्छी लगेगी। छोटे छोटे थ्रेड के फ्लावर बनाए हुए हैं, नीचे इस तरीके से पूरा वर्क किया हुआ है। बॉटम्स में आपको दिखाने वाली हूँ वो सारे मैंने ऑफलाइन परचेज किए, मैंने ये पंजाब से परचेज किए हुए हैं, बट ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएंगे, लाइक अमेजोन में आपको मिल जाएंगे। तो सारी डिटेल्स जो भी होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक दे दूंगी, आप वहाँ चेक कर लें। इसी तरीके का एक मैंने पिंक कलर में भी लिया है, ये बेबी पिंक कलर का है, ये भी सेम ही है। इस तरीके का नीचे पूरा वर्क किया हुआ है, इस तरीके से थ्रेड वर्क किया हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं। ये जो सलवार है ये बेसिक सलवार है जिसमें बहुत ही अच्छा वर्क किया हुआ है, ऊपर तक आप देख सकते हैं पूरा वर्क किया हुआ है इसमें, बहुत ही सुंदर थ्रेड वर्क किया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा कॉटन का मटेरियल है। थर्ड में आपको जो दिखा रही हूँ वो पटियाला है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही हैवी पटियाला है। पूरे में आप देख सकते हैं ये वुल का वर्क किया हुआ है। ये जो मटेरियल है वो जॉर्जेट का मटेरियल है, बहुत ही सुंदर मटेरियल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा वुल का वर्क किया हुआ है। एंड अंदर में इसके लाइनिंग दी हुई है, इस तरीके से आप देख सकते हैं अंदर में कॉटन की लाइनिंग दी हुई है। पूरी हैवी सलवार है, इसमें आप प्लेन कलर का कुर्ता पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है एंड फेस्टिवल्स में आप बहुत इजीली इसे कैरी कर सकते हो। ये आपको अराउंड 1000 रुपीज तक मिल जाएगी। नेक्स्ट जो मैं आपको बॉटम्स दिखा रही हूँ वो इस तरीके की पैंट्स है, आप देख सकते हैं ये काफी ट्रेंड में है इस तरीके की पैंट्स। ये पूरी फुलकारी वर्क किया हुआ है इसके अंदर। एंड ये जो मटेरियल है ये चंदेरी मटेरियल के ऊपर वर्क किया हुआ है, इस तरीके से नीचे देख सकते हैं आप, नीचे बॉटम में देख सकते हैं इस तरीके वर्क किया हुआ है। एंड ये बहुत ही सुंदर वर्क किया हुआ है, काफ़ी ट्रेंड में है, आप चिकनकारी के कुर्ते के साथ इसे ईजिली वेयर कर सकते हो, काफ़ी ट्रेंड में है ये। इस तरीके का पैंट है, आप देख सकते हैं पूरे पैंट में इस तरीके का वर्क किया हुआ है। ये जो पैंट है आपको अमेजोन में मिल जाएगी, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अराउंड 1100 तक आपको मिल जाएगी ये पैंट्स। लास्ट में जो आपको दिखा रही हूँ फुलकारी का प्लाजो है, इस तरीके का प्लाजो है, पूरे में इस तरीके से वर्क किया हुआ है, पूरे प्लाजो में आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर वर्क किया हुआ है। इसके अंदर भी आपको लाइनिंग मिल जाती है, यहाँ देखिए इसके अंदर भी लाइनिंग दी हुई है। शॉर्ट कुर्ते के साथ आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर वर्क किया हुआ है, बीच बीच में इस तरीके के मिरर लगाए हुए हैं। और इस प्लाजो के साथ आप कोई भी शॉर्ट चिकनकारी कुर्ता पहन सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग लगेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है एंड बहुत ही हैवी लुक आ जाता है, आप देख सकते हैं बहुत ही हैवी प्लाजो है, इजीली आप इसे फेस्टिवल्स में एंड वेडिंग में कैरी कर सकते हैं। आई होप जितने भी बॉटम्स मैंने आपको दिखाए हैं वो आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।